हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त संदीप स्वामी और आप देख रहे हैं हेल्पिंग एंड हेल्प फॉर बेटरमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोटर आईडी के बारे में। वोटर आईडी कार्ड को कैसे डाउनलोड करें, तो आपको सबको पता है कि वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए आप NVSV पोर्टल पर जाके वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पर आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला, एक ऐसे पोर्टल के बारे में बात करने वाला जिसके थ्रू आप 5 साल, 10 साल, 50 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड भी डाउनलोड हो सकता था। जो NVSV पोर्टल है उसके अंदर सिर्फ 2020 के बाद में जो वोटर बने हैं, जो जिनका वोट बना है उनको ही डाउनलोड होता था वोटर आईडी कार्ड। वहां से 2020 से पहले वालों को वोटर आईडी कार्ड NVSV पोर्टल से डाउनलोड नहीं होता था। आज की वीडियो में जिस पोर्टल के बारे में बता रहा हूँ वहां से आप चाहे 50 साल हो चाहे 70 साल पुराना वोटर आईडी कार्ड हो उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप प्रिंट करवा के लेमिनेशन करवा के यूज कर सकते हो। तो देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप प्रोसेस समझ जाएंगे उससे और उसके बाद आप अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के सिंपली अपने को ब्राउजर में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है voterportal.eci.gov.in। इसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं। जैसे आप उस पर रिडायरेक्ट होते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं टू डाउनलोड ईपिक, यहाँ पे आपको लिखा होता है प्लीज चूज वन ऑप्शन, ठीक है। तो इनमें से आप तीन ऑप्शन दिए, इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो फर्स्ट वाले को, अगर आपके पास रेफरेंस नंबर है तो सेकंड को। उससे पहले आपको मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ यहाँ के, कि यहाँ से जो वोटर आईडी कार्ड आप डाउनलोड करते हैं वो PDF फॉर्मेट के अंदर रहेगा। इस पोर्टल से आप मोबाइल से और कंप्यूटर दोनों से वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ से जो PDF फॉर्मेट के अंदर डाउनलोड किया गया वोटर आईडी कार्ड को आप डिजी लॉकर के अंदर सेव करके रख सकते हो। इसके अलावा आप वहाँ से सेल्फ लेमिनेट करवा के भी रख सकते हो और इस वोटर आईडी कार्ड के रूप में यूज़ ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ से जो वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करते हो आप इसको PVC फॉर्मेट के अंदर भी एक नए वोटर आईडी के रूप में यूज़ कर सकते हो। और आपका जो यहाँ से किया हुआ वोटर आईडी कार्ड है वो ऑल इंडिया वैलिड रहेगा, आप इसको कोई नकार नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ से वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं डाउनलोड करने के लिए क्या करना रहेगा। तो सबसे पहले आपके पास तीन ऑप्शन है, उनमें से एक को सेलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि आपके पास अगर वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अब अपन बात करते हैं कि अपने पास वोटर आईडी कार्ड नंबर नहीं है तो सेकंड ऑप्शन है जिसमें रेफरेंस नंबर है उसको सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड और रेफरेंस नंबर दोनों नहीं है तो आप थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करके आपको वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जब सर्च करते हैं तो आपकी डिटेल्स पूरी डालनी पड़ेगी। अब अपन जैसे यस आई है ईपिक नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना रहेगा, आपका स्टेट को सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। जैसे ही आप एंटर करते हैं उसके बाद आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन आएगा जिसके ऊपर क्लियर मेंशन रहेगा। इसमें यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि आप वोटर आईडी कार्ड एक ही कंडीशन में डाउनलोड कर सकते हो, वो है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसके साथ आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते। ये समस्या अब सभी के साथ आ रही है क्योंकि ये मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ही कंपलसरी है और ये जो वोटर आईडी कार्ड है ये कॉमन डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो इसको हर कोई डाउनलोड नहीं कर सकता है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, उसके बाद ही उसको डाउनलोड कर सकता है। तो अब अपन बात करते हैं कि मोबाइल नंबर रजिस्टर कैसे करना है। तो इसका वीडियो मैं पहले से दे चुका हूँ पर अब मैं रिपीट दोबारा करता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ से इसको क्लोज करना है। जैसे आप इसको क्लोज करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको ओपन करना है। अगर आप यहाँ पहले विजिट लॉगिन कर चुके हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपको क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पे जाना है। वहाँ पे आपका ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर कोई भी एंटर करना है। उसके बाद सिंपली आपको लॉगिन हेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। वहाँ से आपका जो मोबाइल नंबर दिया उस पर एक OTP जाएगा, उसी के साथ में आपको जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो वहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ पे वो वेरीफाई करेगा कि डिटेल सही है। उसके बाद आपका वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करके आईडी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वापस लॉगिन करना है। तो जो मोबाइल नंबर आपने दिया या ईमेल आईडी दिया वो यहाँ पे एंटर करना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करना है। उसके बाद सिंपली कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। तो जैसे आप कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका बस चार ऑप्शन दिख रहे हैं नीचे। उसके अंदर है कि सबसे पहले आप नया वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाएं, नया वोटर रजिस्ट्रेशन कैसे करें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है करेक्शन इन वोटर आईडी, थर्ड है डिलीटेशन ऑफ वोटर आईडी और फोर्थ है आधार लिंकेज।
तो अपने को क्या करना, वोटर आईडी के अंदर मोबाइल नंबर लिंक करना है, तो आपको करेक्शन इन वोटर आईडी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको सेलेक्ट करना रहेगा। और इसके बाद आपको आधार लिंकेज का ऑप्शन दिख रहा है, वो करना रहेगा, क्योंकि वोटर आईडी के साथ आधार कार्ड लिंक करना भी बहुत ही मैंडेटरी हो चुका है, उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा डाउनलोड का प्रोसेस। तो अब अपन मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए सिंपली करेक्शन इन वोटर आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक करते हैं तो अपने सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे आपको दिया होगा माय नेम इज वोटर मित्र, और इसके बाद आपको लेट स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप लेट स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है और दूसरा नहीं है। तो आपके पास है तो ये इसको सेलेक्ट करेंगे, और नो को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करते हैं, उसके बाद आपको फैच डिटेल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो अपने सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपका जो फॉर्म रिकॉर्ड है वो हमें मिल गया है। तो सिंपली आपको आगे प्रोसीड करने के लिए प्रोसीड का बटन पर क्लिक करना है। तो आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो आपके सामने दिख जाएगी, उसको आप एक बार प्रीव्यू भी कर लीजिए। अगर सही है तो उसको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आप क्या करेक्शन करना चाहते हो। तो इसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग एनरोलमेंट इलेक्ट्रल रोल, इसको सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो एंटर करने के बाद उस पर OTP जाएगा, OTP वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि इसमें क्या क्या चेंजेस करना चाहते हो, तो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड लिंक नहीं है तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर एंटर करना रहेगा, और आधार कार्ड का नंबर एंटर करना बहुत ही मैंडेटरी है। कुछ एक स्टेट है जहाँ पे आधार कार्ड नहीं है तो उसको कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, और जिनके पास आधार कार्ड है उसको आपको इस यहाँ पे ISIV का आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिनके पास नहीं है वो नीचे जो दूसरा बटन ऑप्शन दिख रहा है आई एम नॉट एबल टू फिनिश माई आधार कार्ड बिकॉज आई डोंट है आधार नंबर, इसको सिलेक्ट करना रहेगा। आपके पास है तो आप इसको ISIV आधार के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो भी यही साथ में लिंक हो जाएगा। उसके बाद आपको सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे मोबाइल नंबर दोबारा से एंटर करना रहेगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिक्लेरेशन का ऑप्शन आएगा, जिसके अंदर आपको डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद आपका नाम यहाँ पे आपको एंटर करना रहेगा, उसी के साथ में आपका जो एरिया का प्लेस है, आप सिटी या गाँव का, तो वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे वापस से क्लिक करना है। तो जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉरम नंबर 8 ओपन हो जाएगा, उसमें पूरी डिटेल आपकी दिख जाएगी, उसको आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। उसके बाद सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो वोटर आईडी कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर लिंक है वो कम्प्लीटली हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ जाएगा, और इसी के साथ में एक रेफरेंस नंबर भी जनरेट हो जाएगा जिसको आपको कॉपी करना है या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके ट्रैक करने के काम आएगा। तो इस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड यहाँ से लिंक कर सकते हैं। इसका वीडियो मैं पहले से भी बना चुका हूँ, उसको भी आप देख के अपडेट कर सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि इसको ट्रैक कैसे करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ट्रैक करने के लिए इसके होम पेज पे जाना है, और होम पेज पर अपने को एक ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको वो सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे आप ट्रैक स्टेटस को ऑप्शन को क्लिक करते हैं, इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर अभी आपको मिला था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो जैसे आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर एंटर करते हैं, उसके बाद ट्रैक योर स्टेटस का ऑप्शन दिख रहा है, उसको आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपन ने अभी हाल ही के अंदर इसको सबमिट किया एप्लीकेशन को, तो अभी ये पेंडिंग है। उसके बाद आपका BLO से अप्रूव्ड होगा, उसके बाद आपका फील्ड से वेरीफाइड होगा, और फाइनली ये एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है ये बात की बात है। तो इस तरह से आप इसको मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक कर सकते हैं। जैसे ही अपना मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है तो अपने को सिंपली डाउनलोड करने के लिए अपने को वापस उसी पोर्टल पर जाना रहेगा, waterportal.eci.gov.in। तो अपने सामने वापस यही इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे अपने को ISIV EPIC नंबर है इसको सेलेक्ट करना रहेगा, उसके बाद सिंपली अपने को स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपना जो EPIC नंबर है वो यहाँ पे अपने को डालना है, उसके बाद सिंपली इसको प्रोसीड करना है। तो जैसे ही अपन प्रोसीड करते हैं तो अपने सामने डिटेल आ जाती है, उसके बाद आपको यहाँ से वोटर आईडी कार्ड की जो डिटेल है वो क्रॉस चेक करनी है, और आपके पास जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वहाँ पे आपको शो हो जाएगा डिस्प्ले पे। जैसे ही वोटर आईडी कार्ड आपका शो होता है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड वो PDF फॉर्मेट में होगा, और उसको आप प्रिंट निकाल के इस वोटर आईडी कार्ड के रूप में यूज़ ले सकते हैं। इस तरह से आपका अपना वोटर आईडी कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
बहुत ही ईजी प्रोसेस है। पर उसके लिए आपको चीज़ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपका जो वोटर आईडी कार्ड है उसके साथ आपका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है। यहाँ से डाउनलोड किए गए वोटर आईडी कार्ड को आप पीवीसी कार्ड के अंदर भी बना सकते हैं, नए वोटर आईडी कार्ड के रूप में भी बना सकते हैं, और इसी के साथ में इसको डिजी लॉकर के ऊपर भी आप अपलोड कर सकते हैं ताकि वहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है, 2 मिनट का काम है, पर उसके लिए आपका वोटर आईडी कार्ड के अंदर मोबाइल नंबर और आधार कार्ड लिंक होना ज़रूरी है। उसके लिए आप अपने बीएलओ से भी मिल सकते हैं, बीएलओ भी इसके लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, वोटर आईडी कार्ड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इसी के साथ आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।